अरे यांनी रात्री 12:30 1:00 फोन केले मला यांनी. हमने आपसे झूठ बोल के आपसे पैसा लिया था, हमारी माँ जिंदा है. आज मनसे स्टाइल से हमने उसको सबक सिखाया है. ऐसे लोग जो है जहाँ भी गलत रहेंगे उनको हम ठोक के निकालेंगे. मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. माँ बीमार है एक युवक ये कहकर लोगों से पैसे ऐंठ रहा था कि उसकी माँ की मौत हो गई है और उसके पास अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं है. सोशल मीडिया से लोगों का मोबाइल नंबर निकाल कर इस्तेमाल कर माँ का अंतिम संस्कार करना है. उनके नाम पर पैसे वसूलने वाले युवक को मनसे पद अधिकारियों ने रंगे हाथ पकड़ा और युवक की पिटाई कर दी. फेसबुक के माध्यम से लोगों का मोबाइल नंबर निकाल कर ये युवक बार बार माँ के अंतिम संस्कार के नाम पर जनता से ठगी करने वाला युवक मनसे पदाधिकारियों से भी पैसे मांग रहा था. माँ की बीमारी का झांसा देकर और गलत नाम का इस्तेमाल कर पैसे लेने के बाद युवक की बेईमानी का खुलासा हुआ, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दिया है. आपको बता दें कि इस युवक ने मनसे के कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन पर संपर्क किया और कहा कि उसे माँ के अंतिम संस्कार के लिए पालघर जाना होगा और 1500 रुपये खर्च लगेगा. तभी मनसे कार्यकर्ताओं को शक हुआ और उससे पूछताछ की तो पता चला कि वो झूठ बोल रहा है, लोगों से पैसे वसूल रहा था. युवक के कारनामे को उजागर करने के लिए नवी मुंबई के अधिकारी थाने पहुंचे और विजय तीवर नामक व्यक्ति को पकड़ा और मनसे स्टाइल में इसे सबक सिखाने के बाद पुलिस को सौंप दिया है. साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी लोगों की मदद ना करें और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें. बाला साहब शिंदे महाराष्ट्र नवनिर्माण सहकारी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं. नमस्कार, मैं बाला साहब शिंदे. आज ये वीडियो के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूँ. हमें महाराष्ट्र के नागरिकों से एक बात कहनी है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का फंडा बहुत जगह चल रहा है. ऐसी घटना हमारे साथ हो गई थी. कल एक आदमी ने हमें बाहरगाँव से बोल रहा करके फ़ोन किया. फ़ोन करने के बाद में उसने कहा कि मेरी माँ बीमार है, नासिक के सरकारी अस्पताल में है और हमारे पास पैसा नहीं है. वहाँ बाहर कैंटीन है, कैंटीन में देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप हमें थोड़ी मदद कीजिए. इंसानियत के नाते और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष सम्माननीय राज साहब ठाकरे, इन्होंने जो हमको शिक्षा दी है, हमको बताया गया है कि कभी भी किसी को कहीं ज़रूरत है तो आप तन मन धन से उनके पीछे खड़े रहना, वो माध्यम से हमने उसको कुछ पैसा कल दोपहर को भेजा. फिर कल रात को उसने फ़ोन किया कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई है, मैं आधे रास्ते में हूँ, गाड़ी वाला मुझे बीच में छोड़ के गया है, तो आप हमें गांव जाने तक की मदद कीजिए. फिर रात को मैंने उसको कुछ पैसा भेजा. उसके बाद मुझे डाउट आया तो जो मोबाइल का गूगल पे नंबर था उसके ऊपर जो मैंने पैसा भेजा, वो आदमी से मैंने संपर्क किया तो वो आदमी बोला ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सामने वाला आदमी गलत दिख रहा है. फिर आज सुबह वापस वो आदमी ने हमको कॉल किया और बोला कि कल माँ का अंतिम संस्कार हो गया है, आज अस्थि विसर्जन करना है, तो आप हमें और थोड़ा पैसा देंगे तो हम वो माँ की अस्थियाँ कहीं लेके जाके नदी में बहा देंगे. तो हमें डाउट आया था, हमने उसका नंबर लिया, दूसरा उसने जो गूगल पे नंबर दिया था उनसे संपर्क किया और उन्होंने उसको रुका के रखा. हम यहाँ न्यू मुंबई से थाना गए, थाना जाके उसको पकड़ लिया. उसने सारी बातें मान ली कि हमने आपसे झूठ बोल के आपसे पैसा लिया था, हमारी माँ जिंदा है और ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हमने हमारी मतलब कि जो कुछ लगता है खर्चे के लिए या अदरवाइज कुछ या कोई गलत व्यसन होगा उसके लिए उसने हमसे झूठ बोल के पैसा लिया था. आज मनसे स्टाइल से हमने उसको सबक सिखाया है और उसके बाद में वहाँ के पुलिस स्टेशन में हमने उसको जमा कर दिया है. हम ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहते हैं कि भावनिक रूप से ऐसा कोई आपको कॉल आता है या कोई बात होती है तो बिना तहकीकात के सिवा आप किसी को एक रुपया मत दीजिए. इसकी वजह से जो जिसको सच में ज़रूरत है उसको पैसा पहुंचता नहीं है और हम इसके आगे जितना हो उतने जन जागृति करेंगे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देंगे और अच्छी तरह से ऐसे लोग जो है जहां भी गलत रहेंगे उनको हम ठोक के निकालेंगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.